सबसे अच्छा है कि ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित विषय का अध्ययन करा रहा हूँ, तो गणित के अंदर कल जो हमने सवाल किए थे वो थे गुणज। आज इसका अगला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। इस प्रकार का पहला सवाल दे रखा है 24। 24 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं वो आपको लिखना है। या ऐसे सामान्य ऐसे समझ लीजिए कि 24 किस किस के पाड़े में आता है और कितनी बार बोलने पर आता है वो आपको बताना है। तो संख्या देखिए, सबसे पहले आपको दे रखी है 24। तो सबसे पहले देखिए 24, एक का पाड़ा तो सब में ही आता है, तो हम लिख दिया 1 × 24। अब देखिए दो के पाड़े में 24 आते हैं क्या? अगर किसी इकाई का अंक 0, 4, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो पीछे देखो 4 है इसके, तो 24 = 2 × कितनी बार जाएगा 2 का भाग? 12 बार। तो 12 को 2 से गुणा करेंगे तब कितना आएगा? 24। अब देखिए 3 के पाड़े में आता है क्या? 3 × 3, 3 × 2, 6, 3 × 3, 9, 3 × 4, 12, 3 × 5, 15, 3 × 6, 18, 3 × 7, 21, 3 × 8, 24 पूरा पूरा आता है 3 के पाड़े में। यानी 3 × 8। अब देखिए 4, 4 × 4, 4 × 8, 4 × 12, 4 × 16, 4 × 20, 4 × 24 चार के पाड़े में भी आता है। यानी 4 × 6, फिर 6 × 6, 6 × 12, 6 × 18, 6 × 24 छः के पाड़े में भी आता है 4 बार। फिर 7 के पाड़े में नहीं आता 24। 8 के पाड़े में, 8 × 8, 8 × 16, 8 × 24 8 के पाड़े में आता है 3 बार। फिर देखिए 9 के पाड़े में नहीं आता, 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12 में आता है, 12 × 12, 12 × 24 12 × 2। और अंत के अंदर 24 स्वयं अपने पाड़े में ही आता है, 24 × 1। तो देखिए 24 के कितने गुणनखंड हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने गुणनखंड हो गए? 8। इसे पूछा था निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए, तो हम नीचे लिख देंगे यहाँ पे खत्ता। चौबीस के गुणनखंड, अब ये जो हमने पाड़े बोले थे इन सबको लाइन से लिख देना है। जैसे पहले 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और अंत में 24, और ये आपके आंसर। तो इस प्रकार से इन सवाल को हल करना है। अब अगली संख्या है देखिए 36। तरीका वही रहेगा सेम टू सेम। 36 एक का तो आएगा ही सबके अंदर। अब देखिए 2 का भाग लग देख जाता है क्या पूरा पूरा? 2 × 2 = 1, 6 उतर गया, 16 आता है 8 बार, यानी 18 हो गया। तो 2 × 18, 2 को 18 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 36। फिर 3 का भाग लगूँ मैं अगर 3 × 3, 3 × 2 = 6 कितना आया? 12। यानी 3 को हम 12 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 36 आता है। फिर 4 के पाड़े में तो ऐसे ही पूरा आएगा, 4 का पाड़ा 9 बार बोलिए, 4 × 9 = 36। फिर देखिए 5 के पाड़े में तो 7 × 5 = 35 हो गया, आता नहीं है ये। फिर 6 के पाड़े में 6 का पाड़ा 6 बार, 6 × 36। उसके बाद देखिए 7 के पाड़े में नहीं आता। अब देखिए 8 के पाड़े में आता है कि 8 × 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 2 = 32 नहीं आता। 9 के पाड़े में 9 × 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36 9 के पाड़े में आता है। यानी 9
इंटू चार। अब उसके बाद देखें 10 के पारे में नहीं आता, 11 में नहीं, 12 में आता, 12 कम 12 बार दो 24, बार दिया 36, यानी 12 इंटू 9। अब उसके बाद में ये आता है 18 के पारे में, 18 कम 18, 18 दूनी 36, और अंत के अंदर 18 स्वयं अपने पारे में आता है, सॉरी 36 स्वयं अपने पाड़े में ही आता है। तो अब इसमें देखिए, अतः 36 की गुणनखंड, अब ये जो पाड़े बोले हमने 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 इनको आप लिख दीजिए, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36, और ये आपका आंसर। तो देखिए इतना कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है ये, बस आपको पाड़ों का ज्ञान रखना है और ये देखना है कि संख्या किस पाड़े में कितनी बार बोलने पर आती है। 3 सवाल थे, 2 सवाल मैंने कर दिए, 1 सवाल है 68, तो आपको उसमें हल करके हमें कमेंट्स के द्वारा बताना है कि आपने सवाल किस प्रकार से हल किया, और इन सवालों को लिखिए, और आपको पाठ्य पुस्तक में अनेक क्वेश्चन दे रखे हैं उनको करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।